ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळववा માટે डाउनलोड करो गुजराती मिडडे नी एप gujaratimidday.com। આજે આપણી સાથે છે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના સાયબર ક્રાઇમ ડિપાર્ટમેન્ટના વડા IPS યશસ્વી યાદવ। આજે એમની પાસેથી આપણે જાણીએ કે જો તમારી સાથે સાયબર ક્રાઇમ થાય છે તો કઈ રીતે તમે કમ્પ્લેન કરી શકો છો અને કેવી રીતે આ કેસ સોલ્વ થાય છે અને તમે કઈ રીતે આ ક્રાઇમ થી બચી શકો છો। સર વેલકમ ટુ gujaratimidday.com। सर मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि हम जैसे जैसे ये डिजिटल युग में बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, आपका क्या अनुभव रहा है और किस तरह से आप ये पूरे सिनेरियो को देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा साइबर क्राइम इस वक्त विश्व का नंबर एक संगठित अपराध के रूप में आया, उभर के आया है। नार्को ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग सबको पीछे छोड़ चुका है। इसी तरह से भारत में लगभग 70 करोड़ स्मार्टफोन्स मौजूद है। 70 करोड़ स्मार्टफोन का मतलब यह है कि एक मिनी कंप्यूटर सबके हाथों में है। इसलिए साइबर क्राइम का बढ़ना बहुत आवश्यक है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी के नियम और उसके कायदे हमें जानने चाहिए और हमें अपने आप को साइबर सिक्योर रखना चाहिए। जी, आपने कहा कि साइबर सिक्योर रखना चाहिए, ऐसी कौन सी दो या तीन चीज़ें हैं जो हमें अपने रेगुलर जीवन में करनी चाहिए? देखिए, रेगुलर जीवन में तो मैं ये कहना चाहूँगा, स्ट्रेंजर से बात करते वक्त आपको बेहद सावधान रहना चाहिए। रेड फ्लैग तभी उतरने चाहिए यदि कोई स्ट्रेंजर आपसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है या आपके कोई फोटोज मांग रहा है। तो इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। यदि आपने कोई अपने आक्षेपार फोटोज या ऐसी चीज़ें इंटरनेट में डाल दी हैं तो ये समझिए वो हमेशा के लिए वहाँ पे रहेंगे। इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसी तरह अपने पासवर्ड्स की भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी बैंक का ऑफिशियल कभी भी फ़ोन पर आपके पासवर्ड, CVV पिन नहीं पूछता है। यदि कोई पूछ रहा है, इसका मतलब वो साइबर क्रिमिनल है। जी, आजकल हम देखते हैं कि हम कुछ बोले, कुछ सर्च करें, तुरंत हमें वो उसके एड्स दिखते हैं। सब ऐसा लगता है कि जैसे कोई ट्रैक कर रहा हो या कोई बातें सुन रहा, इससे कैसे बचें? देखिए, इससे बचने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप सबसे पहले ऐड के लिए मेरा डाटा यूज़ होना चाहिए, इसमें अपनी सम्मति देना बंद करें। फेसबुक भी आपसे पूछता है कि आपका डेटा हम ऐड के लिए यूज़ कर सकें, आप उसको ऑफ कर दीजिए या नो कर दीजिए। उसके अलावा अपनी लोकेशंस जो है हर एक वेबसाइट पे मत ओपन रखिए। उसको पता चल जाता आप इस एरिया के हैं तो इस एरिया में ऐसे ऐड भेजने चाहिए। इसके अलावा जहां पर भी सम्मति मांग रहे हैं वहां पे आप हमेशा नो दबा दीजिए। इसके अलावा भी यदि आपको एड्स परेशान कर रहे हैं तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम अथॉरिटी को या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। बढ़िया। और सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर ये प्रिवेंशन के बावजूद किसी के साथ में साइबर फ्रॉड या साइबर बुलिंग जैसी चीज़ें होती हैं तो कैसे पुलिस को संपर्क किया जाए? देखिए, हमारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि www.cybercrime.gov.in। इसके अलावा हमारे हेल्पलाइंस हैं 1930-112, पुलिस की हेल्पलाइंस है उसमें। नहीं तो आप सिंपली किसी साइबर पुलिस स्टेशन में वॉक इन कर सकते हैं और अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सब्सक्राइब करो गुजराती मिडडे, बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेळवो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन।